पहला पद में उसने बोला क्या, आदि में परमेश्वर ने आकाश, ठीक है, वो आकाश नहीं हो, गलत ट्रांसलेशन, हेवंस एक्चुअली हेवंस। ओके, तो पहली बात तो ये कि हेवंस पे भी जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वर्स में हेवंस का बात बोला नहीं हूँ, हेवंस अर्थ बोला सीधा, इट इज अ प्लूरल नंबर एंड अर्थ वॉज सिंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्स में वो अर्थ की बात कर रहा है, क्या लिखा है, वहाँ पे थे बेडाल और सुनसान बड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा जो वर्ड है वो हमारा हमसे जुड़ा हुआ बात, वीडियोलॉजी इट इज रिलेटेड विथ द लाइट। अब बोल रहा है कि देयर वाज डार्कनेस, कौन पहले, लाइट तो बाद में किया ना, पहले क्या है, डार्कनेस, अंधियारा, ठीक है। ये इसका बोलना क्या चाह रहा है, तब ना बात जमेगी कि उसने रचना कर दिया। अब लिखा है कि जो चीज़ रचा उसमें से एक चीज़ के बारे में कि उसका तो रूपे रंग बिगड़ा हुआ है और फूल अंधियारा है, एंड व्हाट अबाउट द स्पिरिट सराउंडिंग नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक। तो अगेन इट्स, जब भी तुम सिस्टम ऑन करते हो, अभी क्या है, अभी क्या था, स्क्रीन ब्लैक डार्क, कोई भी स्क्रीन को देखोगे फर्स्ट हैंड पे, चाहे वो टॉकीज हो 70 mm, चाहे वो मोबाइल का, ये ऑलवेज पहले डार्क होता है, बाद में लाइट का काम है। अपने आप लाइट होगा नहीं, कभी उम्मीद मत करना। कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं अरे इतना भी तुमको, अरे नहीं समझ में आएगा भाई, फुल वो बोल रहा है कि अंधियारा है और स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज सराउंडिंग, बस इतना ही था। तब उसने कुछ काम शुरू किया, काम किससे शुरू हुआ, लाइट है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, ये कहना मींस ऑर्डर ऑडियो, अभी तुम उधर मत जाओ, अच्छा यहाँ रहो स्टूडियो के अंदर, स्टूडियो वाले समझे, लाइट से पहले वीडियो से, विजन से पहले ऑडियो होता है, समझ में, विजुअल आप समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, फर्स्ट क्लियर योर ऑडियो सेक्शन, देन ट्राई टू हैंडल एंटर इन द वीडियो सेक्शन। ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, जो तुम कोई भी चीज को ऑन करो, साउंड ऑलवेज बाद में आएगा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, वीडियो जो है, विजन जो है, देखना क्या होता है कि अब एक फर्क, ये संसार में जो लाइटनिंग होती है उसका लाइट कब आता है और साउंड कब आता है, पहले लाइट होती है फिर साउंड आता है, फिर साउंड होता है, उल्टा है, जस्ट अपोजिट है,
कॉज क्या है? डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस नहीं, ट्रैवलिंग जिसका कर रहा है, ट्रैवलिंग स्पीड का है वो, कि प्रकाश की स्पीड जो है ऑडियो से पहले आता है, ज़्यादा है, पर फिर भी वो लाइट को उत्पन्न करने का काम ऑडियो ने किया है, ऑडियो के बाद ही वीडियो का रिक्वायरमेंट, रेडियो के बाद टीवी आया, ओके, पर रेडियो के बाद टीवी, अब रेडियो कौन सुनता है? बहुत कम, या जो आइसोलेटेड एरिया में, ठीक है, अदरवाइज अब कोई भी आदमी जब कोई चीज सुनता है ना तो देखते हुए सुनना चाहता है। अब पूरा ईसाई लोग लगे पड़े हैं सिर्फ केवल सुनो, तुम देखना है तो उधर देखना, बोले इधर मत देखना। तुमको मालूम है कि परमेश्वर ने आदम और हवा से बातचीत किया, बातचीत करता था, इन्होंने कभी उसको, किसी मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, सिर्फ आवाज सुनते थे। और जब इसने देखने का कोशिश किया, वो सवाल वहीं से फंसाया था, क्या शैतान ने क्या बोला हवा से कि नहीं नहीं, वो ये बोली कि भाई उसको खाने से मर जाएंगे, तो ये क्या बोला, नहीं तुम मरोगे नहीं, मतलब उसने एक वो एक कॉज दी बनाया कि तुम देखो तो सही एक बार, क्योंकि वो सब बातचीत होने के बाद ना, तब स्त्री ने खाया नहीं लिखा है, देखा। अब देखने से तुरंत कौन एक्शन में आया है? मन। अब वो अभी तो फल दूर में है, इसके अंदर पैदा हो रहा था कि क्या क्या रिजल्ट होगा, और यही धोखेबाज है। सबसे पहला हवा को धोखा उसने नहीं दिया, उसके मन ने दे दिया। ये मन में उसको देख के विचार करी कि ये खाने में ऐसा है वैसा है, और बाद में खाया और खिला दिया और हो गया काम। तो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू मूव इन दिस प्लेटफॉर्म, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा सीधा संबंध ऑडियो और वीडियो से। इसको समझोगे तो वो समझ में आएगा, यदि इसको नहीं समझा ना तो वो कभी समझ में नहीं आएगा। मैं यदि मेरे में और बाकी लोगों में इतना ही फर्क है, प्रैक्टिकली मैं ये दोनों फील्ड के भीतर घुसा तो बहुत। कौन सा पद पढ़ रहे थे, पढ़ने बोला था कल मैं तुमको, एक दिन पूरा नहीं हुआ है ना, उसको करूंगा ना, फिर आपके अंदर करूंगा, खोजूंगा तब आएगा। हाँ, तो जब भी मेरे साथ बैठो ना तो एक तो यहीं रहना मेरे हाथ पर, धंधा पानी किनारे कर। दूसरी बात, क्योंकि ये क्या होता है मालूम है, बच्चे लोगों को समझा रहा था मैं, एग्ज़ाम का टाइम है ना, बोले जी, बोला मोबाइल छीन लो रे इनका, बोले क्यों, कहाँ मालूम है, तेरा बेटे को समझा क्या है, किक में लगाऊंगा मैं, बोला तेरा मोबाइल दिख गया तो उसका मोबाइल को आकांक्षा को जब्ती करवाया हूँ, समझे। क्या होता है मालूम है, ये जो मन है ये क्या है मालूम है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है,
क्या है? फ्लैश ड्राइव, ठीक है। अब 8 GB का समझो पेन ड्राइव है और उसमें अभी पूरा चाहिए मेरे को वीडियो डालने के लिए, अब उसमें आधा ऑडियो है तो क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा उसको, वो तो कॉपी होते होते बीच में रुकता है कि खाली करो, नहीं तो ऐसा आता है कि नहीं ऑप्शन? ये सब सिस्टम का पार्ट है, दिमाग जो है ना इसको ब्लैंक रखो तो पूरा माल आएगा। और फिर मैं तो बच्चों को समझाया गया है कि पढ़ाई के समय में यदि तुम इधर अध्ययन कर रहे हो और इधर गेम भी खेल रहे हो, गेम क्या है? कंप्लीट ब्रेन इज यूजिंग। अब पढ़ाई और गेम ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और गेम इतना रहता है रात को सोते समय भी चादर के भीतर अपना लाइट जल रहा है, बच्चे लोग काय का नंबर आना है सब बच्चे लोगों का। वो देखा था मैं, मंगवाया वो ठीक उनका, वो क्या था वो पेरेंट मैचिंग, तो वो देते हैं ना क्या रिपोर्ट क्या मंथली, तो सबका देखा तो सबका लगभग बराबर 50%। क्यों? पढ़ाई कर रहे हैं पर पढ़ाई से ज़्यादा गेम खेल, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि जिस समय जो काम है ना वहीं रहो तो सब स्टोर करेगा। अब बीच बीच में मिसिंग मतलब वो एरर बता रहे हैं कि जगह नहीं है, दूसरा चल रहा है और तुम भर रहे हो इसमें। मैं बोलता हूँ जा भैया सो जा तू, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। हे मेरे मन की वीणा जाग, बोला मतलब माइंड को एज इंस्ट्रूमेंट काउंट करता है, वो भी कौन सा? म्यूजिकल वीणा, सारंगी और क्या बोला, बांसुरी, पढ़े थे ना कि डप बोला, डप उप नहीं होता है। अच्छा बींग अ म्यूजिशियन, अब तुम बताओ ये तीनों में फ़र्क क्या है? सारंगी क्या है, वीणा क्या है और फ्लूट क्या है? व्हाट द डिफरेंस? ये वुडविंड है, फ्लूट वुडविंड है, मतलब फुक के बजाते हैं ईयर से वोकल। हाँ और ये जो है ये इंपैक्ट क्लक करके बजाते हैं, छेड़ने वाला काम। हाँ। और सारंगी, सारंगी भी वही है, वही नहीं, नहीं है सारंगी, देखा है ना सारंगी मीन्स इट्स कॉल्ड वायलिन, उसको कैसा बजाते हैं? वायर पे रगड़ मार के है, वायर पे रगड़ते तीनों का तीन, बाइबल कुछ भी नहीं बोलता है। अब चेक योर माइंड, ये बहुत यदि देखोगे ना तो वायलिन का जो वॉइस होता है सिंगल वायलिन कर्कश होता है, क्रोइंग वॉइस होता है, वो उसको बनाया ऐसा जाता है उसका स्ट्रिंग और ये कि लगता है कि रगड़ा रहा है कुछ, ठीक। और वो छेड़ने वाला काम करता है, और गिटार का तो हिताब है अलग, हर तरह वो तो सीधा 6 तार को एक साथ और 10 तार वाला बोला, 10 तार का कोई म्यूजिकल नोटेशन में रोल नहीं है, 10 तार वाला बाजा लोग ये पादरी प्रचारक लोग बेवकूफ बबना रहे हैं, ताली बजा बोले 10 तार वाला बाजा तो लगाता मैं बहुत मालूम कुछ नहीं। माइंड इज इक्विवेलेंट टू अ इंस्ट्रूमेंट और उसको ऐसा करके मेलोडियस साउंड डेवलप करता है, समझ में आया? और बांसुरी का तो हिसाब ही अलग है, है? ये आजकल 28 पढ़ो, ये आजकल 28 का
12 पद से पढ़ो। हे मनुष्य के संतान, स्वर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कह, परमेश्वर यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ये एक्चुअल बोल किसके बारे में रहा था? लूसीफर से काम करो है, काम लूसीफर कैसे मालूम? अभी तो सीधा बोला सोर के प्रधान, किंग ऑफ टायरस है, किंग ऑफ टायरस। ये तो बोल रहा उसको, और हम लोग सब समझाते शैतान को, बोल रहे कैसे है करूप था स्वर के विषय में, करूप था तो हे स्वर के प्रधान से क्या क्यों बोला? भाई कोई एकदम मूर्ख आदमी है, वो बेचारा पढ़ रहा है, तुमको पूछा कि एक तरफ ये बोलता है एक तरफ ये करूप बोलता है, इसको समझाओ मेरे को, कैसे समझाएगा? बोल दोनों सही रहा है, बाइबल में लिखा उल्टा पुल्टा तो हो नहीं सकता क्या? प्रधान सूर का क्या प्रधान? सूर के सीधा बोला राजा के विषय में बोल, अब बोल करूप के बारे में रहे। तो कभी इफिसी 6:10 से आगे पढ़े हो? पढ़ो बेटा, वहाँ ये सब चीज़ ठीक से समझ में आना चाहिए ना, बहुत सिंपल है, पर तुम अपना वही, इसीलिए छेड़ना पड़ता है मेरे को उसके जैसे, गिटार जैसे झाए से। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो, पढ़ो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब ये शैतान के बारे में फिर आ गया, अभी सीधे बोल रहे आगे, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू मांस मतलब शारीरिक नहीं है भैया, आगे, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, क्या 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 क्या, परंतु प्रधानों से, प्रधानों अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। अभी समस्या ये है कि आदमी आदमी से लड़ाई कर रहा है, और युद्ध ये पौलुस समझा रहा है कि वो तुम्हारा युद्ध किससे है, जो दिखता नहीं है उससे है, है? तो इसको मैं बोलता हूँ क्या, कितने पार्ट में है डिवाइडेड है, जो जो कहाँ है जी, और आकाश में, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में, आर्मी है पूरा, और ये सब कहाँ है? है ठीक, ये सब मैं बताया हूँ सर जी, कहाँ पर मालूम? बिलासपुर में, पर ये दोनों का चैनल अभी एकदम न्यूट्रल में है। क्या समझा रहा था, जब दानियल प्रार्थना किया 10 अध्याय में, तो उसको जो उत्तर देने आया था वो उससे बात कर रहा था, जिस दिन तूने प्रार्थना में मन लगाया, मतलब प्रार्थना जैसे ही शुरू किया तो बोला मैं आ गया उत्तर लेके, पर वो क्या लिखा, वो मुझको, तो स्वर्गदूत को वो राजा रोकेगा? नहीं, उस एरिया के ऊपर जो प्रधान है, किसका, इसको बोलते हैं हेवनली किंगडम, ये उसका नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड को अपने उसमें रखते हो ये। तुम लोग यदि मेरी गाड़ी में रहते ना तो दिखाता था तुमको, हर गांव के बाहर एक सिवाना रहता है, किसका मालूम है? ये जो तांत्रिक लोग हैं इनका सिवाना, ये देखा होगा शायद कि उसमें पत्थर रहता है, उसमें तेल रहता है, और उसमें कौन करता है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो रात को 12 के बाद करते हैं वो सब बैगा लो।
कहाँ जाते हैं आने जाने वाले लोग भी ना बाहर जाते हैं तो भी लोग उस सिवाना को क्रॉस करते हैं तो दोनों एयरपोर्ट पे निकलते हैं ऐसा करते हैं वो एक सिवाना होता है वो किसका सिवाना है जैसे जैसे हमारा एमपी का पुलिस महाराष्ट्र के एरिया में जाके कुछ नहीं कर सकता परमिशन लेना पड़ेगा इससे ज़्यादा परफेक्टली ये सैटेनिक किंगडम डिवाइडेड और ये चारों तो सोर का जो प्रधान जो वहाँ है उस समय वो वहाँ था उसकी बात कर रहे थे ठीक अब समझ में आया कि भाई शैतान के बारे में कैसे लिखा है तो हमको मालूम होना चाहिए कि वो राजा को नहीं बोल रहे वो उस राज के ऊपर जो वो राजा पड़ा बैठा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं आगे बढ़ो इज इट क्लियर ये वहाँ पे एरिया मैनेजर था अब समझ में आया इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम नहीं नहीं ये हो गया ये तो मैं बता दिया कि ऐसा नेटवर्क बना हुआ है कि कहीं जरूरत पड़ता है तो वो हाकिम को भेज देता है कहीं जरूरत पड़ता है तो पूरा सेना लगता है लिखा है ना कि एक ही जन में सेना काम कर रही थी लिखा है ना तो कहानी थोड़ी बोल रहा था तो जरूरत के अनुसार उसका एकदम परफेक्ट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में उसका अथॉरिटी रूलर ऑफ द वर्ल्ड बोला यीशु ने अपने मुंह से कि संसार का सरदार आता है उसका मेरा कोई साझा नहीं ऐसा कुछ बोला उस पे कोई अधिकार मतलब बोला ना कहाँ बोला उस पे कोई अधिकार नहीं उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं कहाँ लिखा है 14 अध्याय योना 30 देखो क्या लिखा है मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है मुझ पर उसका कोई अधिकार ये संसार का सरदार के लिए इंग्लिश में क्या लिखा है Hereafter I will not talk much with you for the prince of this world prince बोला उसको तो चोर का राजा के विषय में तो वो प्रूसु प्रिंस वो जो उस समय राजा था उसका बात नहीं कर रहा प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड दूसरे ट्रांसलेशन में रूलर बोलता समझे किसने बोला ये बोला किसने था यीशु स्वयं बोल रहा था तो उसको वो कब मैं बता रहा था अयूब का ना भयंकर उसका लाइन पढ़ता हूँ तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है अयूब को परमेश्वर जब कुछ पाठ पढ़ाना शुरू किया अयूब पास था कि फेल पास था फेल हो गया था फेल हो गया फिर पास वो भारी प्राचीत धूली राख में बैठ के तब फिर उसको माफ़ी मिला नहीं तो वो तो गया था काम से तो उसको जो परमेश्वर बात करना शुरू किया था ना 38 अध्याय के 1 पद से 40 के आखिरी पद तक परमेश्वर केवल उसका उतना देर तक सुन रहा था जब बोलना शुरू किया ना तो इसका होश गुम कर दिया था तो क्या बोल रहा था मालूम है पढ़ के रहो एक लाइन 41 41 का फिर क्या तू लिब्यातान अर्थात मगर की बंसी के द्वारा खींच सकता है क्या बोल रहा था लिब्यातान अर्थात मगर की बंसी मगर को अच्छा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है बंसी मतलब मांस मछली पकड़ना डंगड़े तो सी द लैंग्वेज तू क्या सोच रहा है कि तू गरी में मगर को शिकार करेगा
अब कहाँ किस लेवल का बात है, जिसके बारे में ये घोषणा किया था कि इसके जैसा भय मानने वाला खरा सीधा कोई नहीं, वही जब शैतान के चक्कर में पड़ा ना और उसके चक्कर में आए बाएं मुंह से बोलना शुरू कर दिया था, समझे, तब परमेश्वर उसको बताना पड़ेगा कि करो पड़ा कि गधा तू समझ नहीं रहा, तेरे को शैतान मांगा मेरे हाथ से, अब तू क्या सोच रहा है कि बस यीशु मसीह की जय बोल के तू बच जाएगा, तो बता दे एरिया में जाके नंदिनी में कि जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड बोल के तुम शैतान को इन द नेम ऑफ जीसस मैं बांधती हूँ, दो मिनट में वही बांध देता है, ये सब नाटक चल रहा पूरा एरिया में। तो वो बोल रहा था कि तू गरी में मगर का फंसाने का जुगाड़ लगा रहा था, और देखो वह डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है, आगे मतलब तू लगाम लगा लेगा ऐसा रस्सी डाल के मगर के मुंह में, क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है, वह उसका जबड़ा किल से भेज सकता है, क्या वह तुझ से बहुत गिड़गिड़ा करके वह तुझ से मीठी बातें बोलेगा, एक से एक नाटक होता है, तुम लोग तो कभी चक्कर में पड़े नहीं हो, शैतान बोलता है मैं जा रही हूँ, मैं ऐसा है, मैं वो हूँ, तो ये हूँ, और तो मेरे को प्रभु ये याद दिलाता है वो ड्रामाबाजी में मत जाना तू, ये गिड़गिड़ाएगा नहीं तेरे से, अब कई लोगों ने हाथ रख के निकल और ये और वो, अरे तेरे को निकाल देगा दुनिया से, प्रिंस है कहाँ तुम नाटकबाजी करके लोगों को खुद तो बना हुआ है दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे, ये सब अध्याय पढ़ा नहीं कोई है, आ उसी में बहादुरी कि बोले बहुत बड़ा प्रभु का जन आया है, ऐसा वैसा संग में दो दिन रहोगे ना प्रभु जी के जन का जो हिसाब किताब है देखोगे क्या लिखा, ये पढ़ लेना बाद में बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं ये डिस्कशन है, क्यू एंड ए टाइप चलता है और भारी है, ये समझ नहीं आता है, ये कुछ नहीं है समझ में आना, कुछ नहीं है, परमेश्वर उसको बता रहा था कि का समझा शैतान को तेरे को गिड़गिड़ाएगा ऐसा, वो एक से एक बात लिखा, मैं पहले पढ़ा ना तो वो बहुत मजा लेता था इसको पढ़, परमेश्वर ऐसा भी बात करता है। नहीं ये स्पेशली 28 के बाद जो डिस्कशन है वो अलग ही लेवल का चीज़ है, मतलब एक तो जैसे अभी ये हिंट किए तो अब ये क्लिक हो रहा है कि अच्छा ये ऐसे सेंस में जाने के बाद हुआ करके, समझे, तो यू मस्ट नो यू आर ट्राइंग टू एंटर इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस। एक विषय है मेरा, इसके ऊपर मैं स्टडी कराता हूँ कि ये आर्मी किसको बोलता है, हाकिम होते कौन है, किसके, उस किंगडम के जो दिखता नहीं, अब जो नहीं दिखता उसको तुम क्या कर लोगे, कब कहाँ से बत्ती देगा, तुमको कहाँ समझ में आना है, कहने का मतलब ये कभी भी ओवरलैप नहीं करते, और हमारे यहाँ पर कोई भी कभी भी किसी का टांग खींच लेगा, ये लोग का नहीं है, वेरी परफेक्ट किंगडम। अभी देखो ये सिंपल इतना ही बता दूँ कि जो विश्वासी लोग हैं वो सिस्टम के बारे में सीरियस नहीं है, और जो टोटल किंगडम अंधकार के लोग हैं वो सिस्टम को कितना लेवल में यूज़ कर रहे हैं, ये समझाना मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, निकले कहाँ से थे हम लोग, ऑडियो जो है वीडियो से ज़्यादा पावरफुल, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं पर वो उसके बोलने भर में ही, ठीक है, तो तुम्हारा जो ऑडियो वाला सेक्शन है ना, इट मस्ट बी परफेक्ट एंड क्लियर। वो पहला कुरंथी 14 अध्याय में आनंद भाषा के बारे में उधर भी पढ़ोगे ना तो दुनिया में जो होता है उसको देखोगे तो हंसी आ जाएगा,
कि यदि बोलने वाला साफ साफ ना कहे तो क्यों कर एक्शन में आएगा आदमी, ये बोलते हैं। यू सी ऑडियोलॉजी में जो क्लैरिटी है वो इमोशन पैदा करता है, और मडी साउंड होगा ना तो वो इरिटेशन पैदा करता है। अब ये तुमको समझ में आना चाहिए, मडी साउंड मीन ये वर्ड यूज करता है वो पढ़े कि नहीं उसको तुम, मडी साउंड मीन्स सब चीज फंसा फंसा जाता है, गिटार गिटार जैसे नहीं लगता, वो बांसुरी बांसुरी जैसे नहीं लगता, कुछ मतलब वो क्लियर समझ में नहीं आता कि क्या चीज जा रहा है, तो कुछ नहीं मिक्स हो रहा है आए बाय। ये सारा तामझाम का मतलब क्या है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, पर्टिकुलर क्लियर होगा तो वो इमोशन पैदा करता है, वो किसी भी चीज़ को लाइव करता है, समझे। इसलिए चाहे वो परमेश्वर का वचन हो चाहे वो किसी का भी वचन, शब्द साउंड मस्ट बी क्लियर। और विजन का क्या है, आप कुछ नहीं फल को देखा तो कितना तो चीज़ आया एक साथ उसके अंदर। अभी एक बात और ध्यान करो, ऐ कितने प्रकार के एक्चुअल कलर होते हैं, तीन ही है, तीन से सारे कलर कलर। अभी बाइबल की बात छोड़ दो, ये समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा। बेसिक कलर सेवन है, कितने विग बोर जो बोल रहे हैं, हाँ विग ग्योर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, क्यों मैं जानता हूँ मालूम है, ये मोनुक मिसिस विग ग्योर इंटरनेशनल में पढ़ाती है। अच्छा पढ़ाती है, अच्छा अच्छा। मैं बोला ये विग ग्योर है क्या चीज़, सेवन कलर क्या पापा, अच्छा उसको मालूम है कि मेरा डेप्थ कितना है, तो क्या पापा आप विवग्योर नहीं मालूम, तो बताना बेटा सात कलर होते हैं एक्चुअल, ठीक है। ऑडियो में कितने नोट्स होते हैं, ओनली सेवन, ए बी सी डी ई एफ जी, सारे ग म प ध नी, ये सब तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इससे भी और इससे ज़्यादा उससे भी। सेवन इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट। यदि ये दोनों चीज़ का तुमको मेन आइडिया हो गया, सात सुर और सात कलर कलर, तो वीडियो ऑडियो में तुम जा सकते हो। अब ये तो क्या सोच, क्या बोला, कौन सा सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। अब एक मैं नहीं जानता भाई कि इसको कैसे तुम लोग बीच में घुसाओगे। नहीं यू आर गेटिंग द पॉइंट ना, बोला कि मैं इनके लेवल से जा रहा हूँ क्योंकि दोनों इंजीनियर है साइंस, ठीक है। तो मेरा एक शब्द भी मैं सोचता हूँ कि उनको जैसे बोला ना कि नाउ इट इज़ क्लियर, तो दूर तक देखते हैं फिर उन्हें। मैं इतना ही कहना है मेरा, फर्स्ट इफ़ यू वांट टू बी अ विसल इन हीज हैंड, ठीक है। चलो वो भी बता देता हूँ, दूसरा कुरंथी चार अध्याय के साथ में कुछ है क्या, देखो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, क्या 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 क्या, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। इसका क्या मतलब, ये अजय इसको पढ़ के तुमको क्या समझ में आता है,
क्या बोलना चाहते हैं। मिट्टी के बर्तन मतलब विसिल में बार बार बोल रहा हूँ, यू आर अ पॉट, वो भी मिट्टी का। वो बोला कि तुम कितना भी बड़ा तोपचंद हो जाओ, उसको याद रहता है कि ये मिट्टी है, ये सब मालूम है अपने को। अब वो बोल रहे हैं फिर से पढ़, परंतु हमारे पास वर्धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मतलब ये कि यदि सोने के बर्तन में रखेगा तो जरा वो बर्तन का भाव बढ़ेगा, आप समझ में आए। अब हम लोग सोचते हैं कि सोने के बर्तन में ही ये धन मतलब क्या। पहला ग्रंथी 3:5 पढ़ो, इसको खुला रखना। बाइबिल धन किसको बोलती है? 1:5 पढ़ो, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह तो धन क्या है? ज्ञान में धनी। फिर से पढ़ो, कि उसमें होकर तुम हर बात में, हर बात में अर्थात सारे वचन, वचन सारे ज्ञान में और ज्ञान, इसी को स्वर्गीय धन बोलता है। और उसको कहाँ रखता है वो? मिट्टी के बर्तन, उसकी बात कर रहा हूँ। और तुम सोने के बर्तन होगे ना तो तुम में रखेगा ही नहीं, मतलब तुम धन के ऊपर अपना कीमत बनाओगे, इसी में आधे लोग साफ हो गए। समझ में आया? जिसको पर पौलुस बोलता था मैं मूर्ख कूड़ा करकट, ऐसा ऐसा शब्द यूज किया हो, किसके लिए? अपने लिए है, मैंने इन सब बातों को कूड़ा करकट ये वो जो भी उसका अपना था सोना, मतलब जो उसकी जो मतलब उसमें जो क्वालिटीज थी उसको बोला, इसको मैं कूड़ा करकट कर दिया और मसीह के लिए मूर्ख बन गया, मिट्टी जिसका कोई कीमत नहीं, उसी में रखता है धन। इतना सब जानने के बाद यदि तुम्हारा थोड़ा भी कि अरे ये तो हम जान गए, ये आना ही नहीं है, जितना वो बोला ना कि उस ज्ञान से, मतलब यदि तुम में कोई ज्ञानवान और समझदार है तो उस ज्ञान को अपने अच्छे चाल चलन और काम के द्वारा उस नम्रता सहित जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? नम्रता, बोल रहा है का मतलब जैसे जैसे ये धन बढ़ता है वैसे वैसे ये बर्तन का कीमत घटने लगता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो तुम्हारी ऊंचाई इतनी है, ठीक, परमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, धीरे धीरे अब जान रहे हो, धीरे धीरे उसके बारे में प्रकट होने लगा, अब धीरे धीरे उसका बढ़ रहा है कि अरे यार ऐसा है क्या, तो तुम तो वहीं रहोगे, उसका हाइट हेल्थ बढ़ रहा है तुम्हारे भीतर तो तुम वैसे ही छोटे होते जाओगे ना टेक्निकली। तो जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति उसको जान जाता है उतना जमीन के नीचे घुस जाता है, और जो ज़्यादा उचकता है ना उसको कुछ नहीं जानता, वो आखिरी में मूर्ख बन जाता है। समझे? इसलिए ऑलवेज ट्राई टू नो मोर एंड मोर एंड मोर, बट अपने वो जो कुछ तुम्हारे अंदर धन के रूप में आया उससे अपना कीमत मत बढ़ा लेना। रायपुर में अब किसी को ये सब नहीं मालूम, हमको मालूम है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि इन इंडिया आई एम सर्चिंग अ सिंगल पर्सन, जब भी कहीं मैं खड़ा हूँ, मैं बेंगलोर ने क्या चेन्नई में एक कन्वोकेशन में बोल के उतरा तो तुरंत कन्वोकेशन किसका था मालूम है? जितने जो मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री वालों को डिग्री इशू होना उसमें मैं स्पीकर था, ठीक है। जब नीचे उतरा तो तुरंत उन लोग घेर लिए, बोले कि ब्रदर एनी बुक बाय यू? मैं बोला वो मेरा है ही नहीं, मैं केवल बोलता हूँ, लिखना उतना मेरे को नहीं मिला। तो मेरा सुन के कोई लिख सकता है वो अलग बात है, लिखने
और मेरा अपना लिखा हुआ बोलने से नहीं भाई, तो लोग रेडीमेड खोजते ना रेफरेंस ढूंढते हैं। तुम्हारे अंदर कितना भी धन हो, याद रखना बोलता है हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में, ताकि पूरा का पूरा ऑनर उसको, तुमको नहीं। इज इट क्लियर? जा जरा चाय बनवा, कितना बच गया? 4:30। ठीक है, तो टाइम पता नहीं चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है कि मतलब टाइम स्पीड से भाग रहा है टाइम से, हमको मालूम है। ऐसा कोर वाला ऐसा रिलेशनशिप जो है ना, उस दिन आप एक्साइट कर दिए थे, ऑडियो वीडियो का बात बताऊंगा, पर ऐसा रिलेशन निकलेगा करके तो अच्छा वो है तुम्हारे पास? मैं जो कुछ तुमको बताया जो रिकॉर्ड में है वो सब मेरे को, जो भी ये अभी जो बोल रहे हैं ये सब एडिट करके काट के वो मेरे को क्विक भेजो, क्योंकि मेरे तुम्हारे जैसे मेरे पास अभी ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे में 10 बच्चे हैं, अपने पुणे में 12 बच्चे हैं, और सब वेल, वो बिल्कुल तुम्हारे, देखो कुछ होने वाला है, मैं बोला हूँ ना 19 में देखना, साइट और बढ़ गया तो समझे। तो ये सब मेरे को चाहिए है, क्योंकि सबसे बैठ के एक जैसा इक्विवेलेंट बात नहीं होता है, वहाँ का सारा चीज़ मैं तुमको भेजूँगा, तो वहाँ भी मैं ऐसी बैठ के हम लोग बात करते हैं। मैं वो मीटिंग बाजी तो टोटल बंद, कोई मीटिंग सेटिंग नहीं, कहीं नहीं जाना भाई। वो होना भी चाहिए था वो है, ये वाला बात नहीं, हमेशा यही बोलता है अभिनव कि मैं ना वो ओल्ड स्कूल वाला सिस्टम पे मेरे को नहीं समझ में आता है, वो है भी एक्चुअली, वो बड़े लोग को आप इतना सिखाया, वो लोग कहाँ हैं अभी।